ओके सो नेक्स्ट पार्ट अभी हम देखते हैं अमीबियासिस। अमीबियासिस में कुछ मुझे एक्स्ट्रा का बताना नहीं है, तो मतलब मलेरिया के अलावा इन सब छोटे ये सब डिजीज में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा का मुझे बताना है नहीं, तो इसका मैं डायरेक्टली रीडिंग कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे बताना रहेगा वहाँ वहाँ पर मैं वीडियो में डाल दूंगा, वैसा एडिट कर लूँगा, ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा बताना रहेगा तब तो। तुम्हारे पास PDF ही है बुक्स की, तो वीडियो में अगर मैंने PDF का फ़ोटो नहीं डाला तो तुम कर नहीं पाओगे, मतलब समझ नहीं पाएगा तुमको कि क्या चल रहा है, क्या रीड कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं वीडियो में PDF की फ़ोटो भी सॉरी डाल रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान देंगे सब लोग, मैं जानबूझ के स्टेट बोर्ड के बुक से रीडिंग कर रहा हूँ। अभी कैसा है कि ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ रैंकर्स के लिए। दिस वीडियोज़ आर नॉट मेंट फॉर एक्चुअली द स्टूडेंट फ्रॉम न्यूक्लियस, लेकिन तुमने भी देखने में हर्ज क्या है करके मैं न्यूक्लियस वाले ग्रुप पे भी वीडियोस डाल रहा हूँ, और तुमने देखने ही चाहिए ऑफकोर्स। मैं अलग से फिर से ह्यूमन हेल्थ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, रिविजन करवाऊंगा, लेकिन ये पढ़ना ही अपने को, मतलब ऐसा मत सोचना कि ये रैंकर्स के लिए वीडियो है तो हम नहीं देखेंगे। लेकिन अब रैंकर्स तुम लोग सुनो कि ये जो स्टेट बोर्ड की नई बुक है ये तुम्हारे काम की नहीं है, ठीक है? तुमको तो अभी बोर्ड की एग्जाम देनी नहीं, ऊपर से तो नया सिलेबस है, लेकिन फिर भी तुम ये वीडियो देखो इसमें, क्योंकि कुछ एडिशनल चीज़ें ऑफकोर्स रहती है हर बार एज़ कम्पेयर टू NCERT, तो वो भी अपना कवर हो जाएगा। और NCERT की कुछ चीज़ यहाँ पर अगर कोई नहीं रहेगी तो मैं उसको वीडियो में ऐड कर ही लूँगा। बाकी रैंकर्स तुम लोग NCERT तो बाद में पढ़ ही सकते हो, ठीक है? और कुछ नहीं समझे तो मुझे डाउट पूछ सकते हो, तो अभी ध्यान देंगे यहाँ पर। तो लेट अस स्टार्ट। अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय अ प्रोटिस्ट पैरासाइट दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जस्ट लाइक अपना वो मलेरिया वाला, ये भी प्रोटिस्टा है, ना बैक्टीरिया है ना वायरस है, दिस इज ऑल्सो प्रोटिस्ट, ठीक है? इसके डायग्राम में लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका ऐड किया गया है। ये पिछले साल स्टेट बोर्ड की बुक में भी नहीं था, NCERT में तो है ही नहीं, तो ये ऐसी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए मैंने स्टेट बोर्ड की बुक को प्रीफर किया है, ठीक है? तो ध्यान देंगे कहाँ से देखेंगे हम लोग डायग्राम को। हम लोग डायग्राम को देखेंगे जो सबसे बड़ा वाला, जो डायग्राम में सबसे बड़ा जो राइट साइड में अपने को स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम देखेंगे, ठीक है? उस स्ट्रक्चर को बोला गया है ट्रोफोजॉइट, ठीक है? उस स्ट्रक्चर को बोला गया है ट्रोफोजॉइट। ये जो ट्रोफोजॉइट है, ये ट्रोफोजॉइट ही हमारे बॉडी के अंदर आता है। कैसे आता है? तो ये कोई मस्कीटो के काटने से नहीं आता है, ये फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज है, मतलब खाने पीने से अपने बॉडी में एंटर करता है। ट्रोफोजॉइट के स्ट्रक्चर को तुम देख सकते हो, सबसे बाहर का जो उसका लेयर है उसको एक्टोप्लाज्म बोला गया है, और उसके अंदर एंडोप्लाज्म, मतलब वही साइटोप्लाज्म समान ही वो स्ट्रक्चर है। उसमें अपने को फूड वैक्यूल्स दिख रहे हैं बड़े बड़े, ठीक है? इंजेस्टेड RBCs अपने को दिख रही है, RBCs को इंजेक्ट करता है, मतलब इंजेस्ट करता है, सॉरी खा लेता है RBCs को, टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। हिस्टो मतलब टिश्यूज, हिस्टोजेन, ठीक है? हिस्टो मतलब टिश्यूज, लाइटिक मतलब टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना, लाइसिस करना, तो इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। थोड़ा और आगे जैसे अपन पढ़ेंगे उसका, उसके ऊपर मतलब टिश्यूज को कैसे डिस्ट्रॉय करता है उसके ऊपर तो आएगा ही, ठीक है? फिर एंडोसोम है, न्यूक्लियोसोम है, वो सब छोड़ दो। फिर ये जो ट्रोफोजॉइट है, ये ट्रोफोजॉइट ने बाइनरी फिजन किया, बाइनरी डिविजन किया, फिर प्री सिस्टिक फॉर्म बन गया, और फिर अपने को दिख रहा है कि वो बन चुका है सिस्ट, CYST, ठीक है? इट इज क्लियरली विजिबल कि वो बन गया है सिस्ट। अब ये जो सिस्ट है, ये सिस्ट और फर्दर डिवाइड होके बाय न्यूक्लिएट सिस्ट बन गया, ठीक है? बाय न्यूक्लिएट है ना, इसमें दो न्यूक्लिया रहेंगे। उसके बाद वो बन गया क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट, ठीक है? ये जो क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट है, इसके बाद वाली लेवल में अपने को दिख रहा है कि वो सिस्ट को फोड़ के, सिस्ट वॉल को फोड़ के वो अंदर का उसका जो भी एंडोप्लाज्म था वो पूरा बाहर निकल गया, बराबर? तो उसको बोला गया एक्स सिस्टमेंट, एक्स सिस्टमेंट यानी सिस्ट के स्ट्रक्चर में से बाहर निकलना, ठीक है? फिर सिस्ट के स्ट्रक्चर में से बाहर निकलने के बाद वो मेटासिस्टिक, मतलब मेटासिस्ट बन रहा है बेसिकली, और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे अमीब्यूले बन रहा है,
ठीक है, बहुत सारे अमीब्यूले, ये जो अमीब्यूले हैं ये अमीब्यूले फर्दर डिवाइड करके फिर से ट्रोफोजॉइट बना रहे हैं। अब ये तो जो भी मैंने बोला हो तो ऑफकोर्स जो बुक में लिखा हुआ था उसको ही पढ़ा, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। अभी एक्सप्लेनेशन सुनो ध्यान से क्या हो रहा है। ह्यूमन बीइंग्स इस ट्रोफोजॉइट वाले स्ट्रक्चर को इंजेक्ट करते हैं, ट्रोफोजॉइट वाले स्ट्रक्चर को इंजेक्ट करने के बाद वो ट्रोफोजॉइट कहाँ जाता है, तो ऑफकोर्स ये फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज है, तो ये जाएगा अपने स्टमक और इंटेस्टाइन में। अपने इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेस है, हमने देखा था म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू पेयर्स पैचेस है ना, तो वो जो पेयर्स पैचेस वगैरह है उसके अंदर वो घुसता है ये ट्रोफोजॉइट, उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। और फिर वहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर रह के वो ये सब धंधे करता है जो अभी अपन ने साइकिल देखा, मतलब सीस्ट बनाने वाला, ठीक है। तो इंटेस्टाइन से वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में, रेक्टम से एनस में और एनस से बाहर। तो एनस से बाहर मतलब फिशेस के थ्रू इसका सीस्ट वाला फॉर्म भी बाहर निकल सकता है और इसका ट्रोफोजॉइट वाला फॉर्म भी बाहर निकल सकता है। अब बात ऐसी है कि इसका जो ट्रोफोजॉइट वाला फॉर्म है वो सर्वाइव नहीं कर सकता ह्यूमन बॉडी के बाहर, ह्यूमन बॉडी के बाहर सिर्फ सिस्ट वाला फॉर्म ही सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो बाहर तो दोनों निकलेंगे लेकिन सिस्ट वाला फॉर्म ही सर्वाइव करेगा, मिट्टी में मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर में मिलेगा, इधर उधर फूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे जाके मिट्टी जो धूल मिट्टी गिरेगी उसमें उसके सिस्ट रहेंगे, फिर से उसको कोई दूसरा ह्यूमन बींग खाएगा, फिर से उसके बॉडी के अंदर सिस्ट आ जाएंगे, है ना। और सिस्ट बॉडी के अंदर आने के बाद सिस्ट बॉडी के अंदर आने के बाद क्या होगा, अपने को दिख रहा है एक सिस्टमेंट होगा, एक सिस्टमेंट होने के बाद वापस वो ट्रोफोजॉइट बन जाएगा, है ना। ये ट्रोफोजॉइट फिर से जाके अपने मतलब वो जो दूसरा ह्यूमन बींग है उसके इंटेस्टाइन को अटैक करेगा, दूसरे ह्यूमन बींग के इंटेस्टाइन को अटैक करने के बाद फिर से वहां पर जाके वो सेटल हो जाएगा पेयर्स पैचेस में, फिर से सिस्ट बनाएगा, फिर से सिस्ट एज वेल एज ट्रोफोजॉइट दोनों बॉडी के बाहर निकलेंगे। ट्रोफोजॉइट जनरली सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सिस्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके फिर से एक से सिस्टमेंट करके अपना जो भी सिक्वेंस है मतलब मेटासिस्टिक अमीबा बनाकर अमीब्यूले बनाकर फिर से ट्रोफोजॉइट बनेगा, ये ट्रोफोजॉइट फिर से इंटेस्टाइन को अटैक करेंगे। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। तो शुरुआत अपनी ट्रोफोजॉइट के लेवल से होगी, ट्रोफोजॉइट जो रहेगा वो अटैक करेगा ह्यूमन बींग के इंटेस्टाइन को, ठीक है, और फिर सिस्ट बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस एंड सिम्टम्स, इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है मतलब पेट से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स रहेंगे। पहला ही साइंस एंड सिम्टम्स में पहला ही है डायरिया, डायरिया मतलब लिक्विड स्टूल्स, है ना, ठीक है, जुलाब लगना, ठीक है, तो डायरिया होगा। फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस है ना बहुत ज़्यादा गैस रिलीज होना, बहुत ज़्यादा फार्टिंग होना, ठीक है। फिर स्टूल, स्टूल मतलब फिशेस विथ म्यूकस, म्यूकस क्योंकि वो पेयर्स पैचेस को डिस्ट्रॉय करेगा, वहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाएगा इंटेस्टाइन में, तो स्टूल्स में फिशेस में म्यूकस ज़्यादा रहेगा। एंड एब्डोमिनल पेन्स, ऑफकोर्स वो एब्डोमेन में इंटेस्टाइन में रह रहा है और वहाँ पर पेयर्स पैचेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो एब्डोमेन में पेन तो होगा ही, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, ये क्या करता है, एब्डोमेन से फिर ब्लड में घुसता है और ब्लड से लीवर में जाकर सेटल होता है, ठीक है। मेरे पास जो बुक है पैथोलॉजी की उसमें तो उसने लीवर के अलावा और बहुत सारी चीज़ें बोली है जहाँ पर वो जाता है, लिम्फ नोड्स में जाता है, स्प्लीन में जाता है, बहुत सारे ऑर्गन्स का लिस्ट दिया है जहाँ पर वो जाके उनको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले जो डिस्ट्रॉय होता है वो होता है लीवर, लीवर में एब्सेसेस तैयार होता है, एब्सेसेस मतलब डेड टिश्यू का रीजन, ठीक है, तो लीवर एब्सेसेस भी इसका एक सिम्टम है। फिर सेकंड सिम्टम, पासिंग ऑफ ब्लड विथ स्टूल इज कॉमन इन सीवियर केसेस, ऑफकोर्स अब इंटेस्टाइन में डिस्ट्रक्शन कर रहा है, वो तोड़फोड़ कर रहा है तो ऑफकोर्स ब्लड तो निकलेगा ही फिशेस के साथ। तीसरा हेपेटोमेगैली, हेपेटोमेगैली मतलब वही लीवर का सूजन, अकर्स इफ पैरासाइट एंटर्स द लीवर, लीवर डेवलप्स अमेबिक लीवर एब्सेस अकम्पनीड विथ फीवर एंड पेन इन राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में क्यों, क्योंकि लीवर इज प्रेजेंट इन द राइट साइड ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। आएगा कैसे ही अपने बॉडी के अंदर, फीको ओरल रूट, फिशेस ओरल मतलब फिशेस के थ्रू उसका सिस्ट बाहर निकलेगा, ये सिस्ट
मिट्टी में ड्रिंकिंग वाटर में मिलेगा और फिर किसी दूसरे ह्यूमन बींग के ओरल रूट से, मतलब माउथ से दूसरे ह्यूमन बींग के बॉडी के अंदर एंटर करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं फिको ओरल रूट। ईटिंग विथ डर्टी हैंड्स कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, ये वही है जो अपन ने पहली दूसरी क्लास में पढ़ा हुआ है। इससे बचने के प्रिवेंशन क्या रहेंगे, तो हाथ धो के खाना खाने का, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स धो के खाने का, अभी कोरोना के कारण ये सब चीज़ें तो अपन अच्छे खासे सीख ही गए, वही सब इसके प्रिवेंशन रहेंगे। बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया है, पूरा फेंक सकते हैं। धनाधन ऐसे लिखने का, धनाधन जो अपन ने पहली में दूसरी में पढ़ा था, हाथ धोने का, मॉस्किटो नेट यूज़ करने का, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को धो के खाने का, वही जो अपन पढ़े हैं पहली दूसरी में, और कोरोना में अपन जो रिवाइज कर रही है सब चीज़ें, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई चीज़ें, यही चीज़ें धड़ाधड़ अपने को इस चैप्टर में लिखनी है बढ़िया, ठीक है। फिर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस ऑफ अमीबियासिस इज मेड थ्रू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल सैंपल, मतलब जिस पेशेंट को अमीबियासिस हो गया है ऐसा डॉक्टर को डाउट है, उस पेशेंट के स्टूल्स मतलब फिशेस वो चेक करेगा, उसमें माइक्रोस्कोप के नीचे उन फिशेस के सैंपल को देखेगा, ठीक है। अमीबियासिस इज ट्रीटेड बाय द यूज ऑफ मेट्रोनिडाजोल एंड टीनिडाजोल विच कैन डिस्ट्रॉय एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज वेल एज अदर टिश्यूज। अब ये मेट्रोनिडाजोल एंड टीनिडाजोल, जो रैंकर लोग ये वीडियो देख रहे हैं तुमको तो ये नाम बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में दूर दूर तक इसका कुछ मतलब कोई रोल कॉल ही नहीं है, तुमको तो याद रखना ही नहीं है। रही बात न्यूक्लियस वालों की जो ये वीडियो देख रहे हैं, अब क्या है कि इन ये जो चीज़ें दी हुई है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स या जो भी दवाई है इस चैप्टर में दी गई रहती है, मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था उस टाइम से स्टेट बोर्ड की बुक्स में ये सब दवाइयों के नाम अवेलेबल है, लेकिन तब से लेकर आज तक मैंने बोर्ड के एग्जाम में कभी नहीं देखा कि इनके ऊपर क्वेश्चन आया हो, ठीक है। तो अब मैं क्या बताऊँ, याद रखने का कि नहीं रखने का, अगर मैं बोलूँगा याद रखने का तो तुम इसका बहुत स्ट्रेस लोगे, याद वो रह नहीं पाएगा, उसका वैलिडिटी है हार्डली हफ्ते भर में तुम ये भूल जाओगे, ठीक है। और मैं बोलूँगा याद नहीं रखने का और अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे ही बोर्ड में आ गया तो तुम मेरे को ही गाली दोगे, ठीक है। तो क्या करने का, इसका एक ही उपाय है, स्टेट बोर्ड की जब एग्जाम रहेगी उसके वहां पर सेंटर में जाने से पहले या सेंटर पे पहुंच के जो अपन रिवाइज करते हैं वो फास्ट क्विक रिवीजन वाले में ये चीजें उसकी लिस्ट में रख दो कि ये चीजें अपने को उस टाइम पे रिवाइज करनी है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी उतनी है, एक दिन दो दिन वैलिडिटी इसकी, एकदम टाइम पे इसको रिवाइज करने का। अनफॉर्चुनेटली अगर आ गया तो बच जाएगा, अपनी जिंदगी बच जाएगी, ठीक है, और नहीं आया, मेरे को तो नहीं लगता आएगा, आज तक तो नहीं आया है। हर डिजीज के लिए स्टेट बोर्ड की बुक ने ऐसी दवाइयाँ देके रखी है, याद रह पाए तो वेल एंड गुड, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल एंड टीनिडाजोल। अब ऐसे याद रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, छोड़ो, मुश्किल है। एनीवेज कोरोना वाले आ गए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अभी अपन चालू करते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में वॉश हैंड्स विथ हॉट वाटर एंड सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स एंड चेंजिंग बेबीज डायपर, ऐसा स्पेसिफिकली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, चलो लिखा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, अदरवाइज वाटर मस्ट बी क्लोरिनेटेड एंड फिल्टर्ड। अवॉइड ईटिंग अनहाइजीनिक फूड, वेजिटेबल्स मस्ट बी प्रॉपरली वॉश्ड एंड कुक्ड। प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज इंक्लूडिंग सीवेज डिस्पोजल हेल्प इन प्रिवेंशन, वही सब चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ अपने पास इसमें नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट डिजीज की तरफ, दैट इज एस्केरियासिस, ठीक है। तो एस्केरियासिस इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कॉज्ड बाय राउंड वर्म एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस इज एन एंडो पैरासाइट, एंडो यानी अंदर, पैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर रहने वाला, राउंड वर्म और निमेटोड। साइंस एंड सिम्टम्स क्या है इसके, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, क्योंकि ये भी अपने इंटेस्टाइन में रहता है। एस्केरिस में अभी जब एनिमल किंगडम पढ़ाया था तब एनिमल किंगडम पढ़ाते वक्त तुमको एस्केरिस के बारे में बताया था कि सबसे ग्रोस डिजीज है वो, सबसे गंदा, सबसे घटिया डिजीज है ना। और मैं तुम लोगों को फोटो भी दिखाने वाला था, जैसे ही तुम लोग ये वीडियो देख लोगे, तुम लोग जिसको भी वो जो फोटो मैंने तुमको बोला था एक लड़के के नाक में से एस्केरिस बाहर निकलता हुआ, तो फोटो अगर किसी को देखने की इच्छा होगी तो मेरे को पर्सनल मैसेज करना, मैं उसको भेज दूंगा।
ठीक है, बाकी एकदम ग्रोस डिजीज है तुमको इसके बारे में मैंने एनिमल किंगडम के वक्त बताया ही है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात इसमें है नहीं। तो स्टमक इंटेस्टाइन में रहता है, तो ऑफकोर्स गैस्ट्रो एंड स्टमक इंटेस्टाइनल उसका डिस्कम्फर्ट रहेगा ही ऑब्वियसली, कोई डिफिकल्ट कोई मतलब इलॉजिकल बात तो है नहीं। दूसरा प्रेजेंस ऑफ लाइव वर्म्स इन फिकल मैटर, ये भी मैंने तुमको बताया था कि बच्चों के फीसेस में स्टूल में से लिटरली वर्म्स बाहर निकलते हैं, एस्केरिस उनके एनस में से एस्केरिस बाहर निकलते ऐसा दिखता है, ग्रोस है एकदम, है ना। पल्मोनरी, पल्मोनरी किसका एडजेक्टिव है, लंग्स का। पल्मोनरी डिसऑर्डर्स अकर इन सम पेशेंट्स, न्यूमोनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन एल्वियोलर वॉल। ऐसा क्यों होता है, मैंने तुमको एस्केरिस की लाइफ साइकिल जब एनिमल किंगडम को बताई थी तब बताया था कि इसमें होता क्या है कि ह्यूमन बीइंग ने वही सेम है, अमीबियासिस समान है कि हाथ धोए बिना खाया या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश किए बिना अगर खाया तो इनके एस्केरिस के अंडे अपने बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है। एस्केरिस के अंडे अपने बॉडी के अंदर आने के कारण क्या होता है, वो इंटेस्टाइन में जाके हैच होते हैं, इंटेस्टाइन में हैच होने के बाद वो जाते हैं लंग्स के पास, है ना। मैंने तुमको याद है एनिमल किंगडम को बताया था कि उनको कैसे पता ह्यूमन बींग्स की एनाटॉमी, उनको कैसे पता कि फेरिंग्स इज द कॉमन ओपनिंग फॉर रेस्पिरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, तो फेरिंग्स में जाते हैं और फिर फेरिंग्स के थ्रू अपना जो गलेट रहता है मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ओपनिंग उसमें घुसते हैं और वापस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आते हैं, है ना। एनिमल किंगडम में अपन ने ये भी देखा था कि इनके ऊपर एक टेग्यूमेन नाम की कवरिंग रहती है एस्केरिस के बॉडी के ऊपर, और उसके कारण ये एयर ऑक्सीजन को अंदर इनहेल नहीं कर सकते, इसलिए इनको अनएरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है। क्यों रहती है टेग्यूमेन नाम की लेयर, क्योंकि ये अपने स्टमक के एचसीएल में गिरेंगे तो उससे वो मरने नहीं चाहिए इसलिए। वैसे टेग्यूमेन टिनियस ओलियम के ऊपर रहता है शायद, प्लेटियल मींस वाला, लेकिन इनके भी ऊपर एक लेयर रहती है जो इनको एसिड से बचाती है, याद है, इसलिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, ऐसा अपन ने एनिमल किंगडम में बोला था इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो ये लंग्स में घुसते हैं, लंग्स में जाकर अपना नेक्स्ट लार्वल स्टेज कंप्लीट करते हैं, फिर फेरिंग्स में घुस के फेरिंग्स के थ्रू सॉरी गलेट के थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक में वापस आकर इंटेस्टाइन में आकर रहते हैं, फिर से मेल और फीमेल एस्केरिस रिप्रोडक्शन करके अंडे देंगे, फिर से अंडे हैच होंगे, फिर से जो एस्केरिस निकलेंगे वो लंग्स में जाएंगे, फिर से लंग्स में अपनी लार्वल स्टेज खत्म करेंगे, फिर से फेरिंग्स के पास आएंगे, फेरिंग्स के पास आके फिर से गलेट में एंटर होके इंटेस्टाइन में जाएंगे, एंड इंटेस्टाइन में जाके एडल्ट बनेंगे, फिर से रिप्रोडक्शन करेंगे, तो लंग्स में इनको जाना पड़ता है, इसलिए लंग्स को ये इन्फेक्ट करेंगे, इसलिए साइंस एंड सिम्टम्स में है पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस, फिर इओसिनोफिलिया, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस क्यों होगा, क्योंकि ऑफकोर्स इंटेस्टाइन का पूरा ल्यूमेन एस्केरिस से भरा रहेगा, जिसको भी ये ग्रोस गंदी चीज़ देखनी है मेरे को पर्सनल मैसेज करेगा, ये सब फोटो भेज दूंगा, गंदे गंदे घटिया घटिया फोटोज है, ठीक है। तो खाना कैसे खाएगा वो बच्चा, तो भूख नहीं लगेगी, इंटेस्टाइन भरा हुआ रहेगा हमेशा, तो और उसके कारण खाना नहीं खाएगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और जो एनर्जी है उसको ये चोरेगा एस्केरिस, तो ऑफकोर्स वेट लॉस होगा, ठीक है। एंड इओसिनोफिलिया, दैट इज नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स इज इंक्रीज, क्यों, क्योंकि इओसिनोफिल जो है मतलब एसिडोफिल्स, ये मेन क्या कहेंगे हम WBCs है जो पैरासिटिक इन्फेक्शन से लड़ते हैं, इसलिए इनका अमाउंट बढ़ जाता है, याद रखना आसान है, ये एसिडोफिल्स है क्योंकि एसिडिक डाई से कलर होते हैं, उस एसिडिक कलर का नाम क्या है, तो इओसिन रेड, तो इओसिन रेड का नेचर एसिडिक होता है, इसलिए इसको एसिडोफिल या इओसिनोफिल्स बोलते हैं, ना एसिडोफिल्स बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स वाला, तो इओसिनोफिल्स से अपन याद रख सकते हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन से लड़ने का काम कौन से एंटीबॉडी का था, IgE का था, है ना, तो ई फॉर IgE, ई फॉर इओजिनोफिल्स, पैरासिटिक इन्फेक्शन पैरासाइट से लड़ने का जो काम है इओजिनोफिल्स, ई फॉर IgE, ऐसा अपन इजीली याद रख सकते हैं, इसलिए इओजिनोफिल्स का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फूड एंड ड्रिंक्स कंटेमिनेटेड विद द एग्स ऑफ दिस वर्म इज द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एग्स हैच इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ द न्यू होस्ट, द लार्वे पास थ्रू वेरियस ऑर्गन्स एंड सेटल एज अडल्ट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। लाइफ साइकिल है आगे, डोंट वरी, वो आ रहा है। फिर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस कैन बी डन बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल। एंटी हेलमिंटिक ड्रग्स लाइक फिप्राजीन, मीबेंडाजोल, लिवेमिजोल, पायरेंटेला आर इफेक्टिव अगेंस्ट एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, ये मैंने तुमको बताया ही कि ऐसा हर एक डिजीज के बारे में देखे रखा है, ठीक है। इसने
स्टेट बोर्ड ने डिजीज क्या बोल रहा हूँ दवाइयों के बारे में, लेकिन वो कभी एग्जाम में आते हैं नहीं, तो अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स लाइफ साइकिल एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एस्केरिस। तो लाइफ साइकिल में अपने को दिख रहा है, स्वॉलोइंग बाय माइंड से चालू करते हैं, इंटेस्टाइन में गए, इंटेस्टाइन से ब्लड में गए, ब्लड से हार्ट में गए ऑफकोर्स, और फिर हार्ट उसको पंप करेगा हर जगह, तो वो वहां से जाएंगे लंग्स में। ठीक है, लंग्स में जाकर वो अपना ये खत्म करते हैं, नेक्स्ट लार्वल स्टेज जो है उसको खत्म करनी है, वो खत्म करते हैं, अपना लार्वल स्टेज कंप्लीट करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं, फिर लंग से ट्रकिया में जाकर फेरिंग्स के पास आते हैं, फेरिंग्स से गलेट के थ्रू इसोफेगस में आते हैं, इसोफेगस से स्टमक क्रॉस करके वापस इंटेस्टाइन में आते हैं। लेकिन अपना स्टमक का एयर सेल उनको डिसॉल्व क्यों नहीं कर देता, क्योंकि उनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। फिर इंटेस्टाइन में रह के वो अडल्ट बनते हैं, अडल्ट फिर से रिप्रोड्यूस करके एग्स रिलीज करते हैं, एग्स हैच होते हैं, एग्स हैच होके फिर से सॉइल में भी जाएंगे फिशेस के थ्रू, और उसके थ्रू किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग में जाएंगे, और जो सॉइल में नहीं गए, जो एग्स हैच होने के बाद जो एस्केरिस उधर ह्यूमन बीइंग के बॉडी में ही रह गए हैं, वो फिर से यही काम करेंगे, ब्लड के थ्रू हार्ट में जाएंगे, लंग्स में जाएंगे, ट्रकिया में जाएंगे, ऐसा चलते रहेगा, है ना। अच्छा, इसमें एक खासियत है कि इसमें जो फीमेल एस्केरिस है वो एक समय 200,000 अंडे देती है, 200,000 अंडे। ठीक है, तो रैंकर्स ध्यान रखना, ये आर सिलेक्टेड स्पीशीज का बढ़िया एग्जांपल है। आर सिलेक्टेड स्पीशीज यानी कौन सी स्पीशीज होती है, जो बहुत सारे बच्चे पैदा करती है, ऐसी स्पीशीज एक समय, लेकिन वो बहुत सारे बच्चों में से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अडल्टहुड रीच कर पाते हैं, मैक्सिमम बच्चे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ऐसी स्पीशीज का लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है ना। और हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, टाइगर हो गया, है ना, गाय हो गई, शीप हो गई, डॉग्स हो गए, ये सब क्या है, ये के सिलेक्टेड स्पीशीज है ना। के सिलेक्टेड स्पीशीज मतलब ये एक या दो ही बच्चे, तीन बच्चे पैदा करेंगे, कम बच्चे पैदा करेंगे एक समय, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे अडल्टहुड रीच करेंगे, और इनकी लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन भी इनका ज्यादा होता है के सिलेक्टेड स्पीशीज वालों का। तो एस्केरिस कैसा है, आर सिलेक्टेड स्पीशीज है। ठीक है, वैसे अगला अपन इकोलॉजी करने वाले, तो उसमें आएगा ही वो सब। एनीवेज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अवॉइडिंग डिफिसेशन इन ओपन स्पेस, तो सो दैट उससे अगर उसमें एस्केरिस के अंडे है तो भी वो इधर उधर मिट्टी में या नदी में वगैरह मिक्स नहीं होंगे। फिर प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एस्केरिस, पर्सनल हाइजीनिक हैबिट्स लाइक वॉशिंग हैंड विथ वाटर एंड सोप, ये वही है सब अपना दूसरी तीसरी का। आफ्टर यूजिंग टॉयलेट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वॉशिंग वेजिटेबल्स थरोली बिफोर कुकिंग एंड अवॉइडिंग रॉ वेजिटेबल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ एस्केरियसिस। तो ऐसी एकदम एग्जैक्ट एकदम इजी चीज़ है। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट इसमें है नहीं। तो बढ़ते हैं अभी अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज फिलेरियासिस। ठीक है, फिलेरियासिस इज कॉज्ड बाय थ्रेड लाइक वर्म्स, दैट इज निमेटोड्स, निमेटोड्स यानी एस्केरमिंथेस। अच्छा, एस्केरिस के बारे में एक चीज रह गई अपनी, एनिमल किंगडम में अपन ने बोला था कि एस्केरिस यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म से मेल फीमेल अलग रहेंगे, और उनको आइडेंटिफाई कैसे करने का ये भी मैंने बताया था एनिमल किंगडम के वक्त। याद नहीं आ रहा होगा तो नोट्स खोल के देख लेंगे, ठीक है, वो भी याद रहना चाहिए अपने को। एनिमल किंगडम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आ सकता है, ह्यूमन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। एनीवेज, फिलेरियासिस, फिलेरियासिस इज कॉज्ड बाय थ्रेड लाइक वर्म्स, दैट इज निमेटोड्स। दीज निमेटोड पैरासाइट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाया मस्किटो बाइट। फिलेरियासिस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री सब टाइप्स एज लिम्फेटिक फिलेरियासिस, जो लिम्फ नोड्स में जाकर रहेंगे। दूसरे सब क्यूटेनियस फिलेरियासिस, मतलब जो स्किन के नीचे रहेंगे, क्यूटेन मतलब स्किन, सब मतलब उसके नीचे। एग्जाम्पल लोआ लोआ मैंसोनेला सब स्पीशीज, लोआ लोआ अफ्रीकन आईवर्म, एनिमल किंगडम को बताया था, है ना, आंखों में भी जाता है वो इस पिक्चर का गाना वगैरह भी बताया था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, तो वो ये वही वाला लोहा लोहा है। एंड तीसरा रहेगा सेरस, सेरस मतलब सेरस कैविटीज जो रहती है बॉडी की, उनको अगर इन्फेक्ट करने वाला होगा तो उसको बोलते हैं सेरस कैविटी फिलेरियासिस। एग्जांपल अगेन मैंसोनेला सब स्पीशीज। ठीक है, तो इसमें से अपने काम का सिर्फ लिम्फेटिक फिलेरियासिस है, क्योंकि वही सबसे कॉमन है और वही सबसे डेंजरस है। ठीक है,
तो लिम्फेटिक फिलेरियासिस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस इज कॉज बाय द वर्म्स वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी ब्रुगिया मलाई एंड ब्रुगिया टीमोरी। ये भी मैंने एनिमल किंगडम के वक्त बताया था कि स्टेट बोर्ड की बुक ने वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी ब्रुगिया मलाई एंड ब्रुगिया टीमोरी बोला है, लेकिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एनसीईआरटी ने वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड डब्ल्यू टीमोरी ऐसा बोल के रखा हुआ है। ठीक है, तो अपने को नीट के हिसाब से वुचेरेरिया ही ध्यान में रखने का है, लेकिन रियलिटी में ब्रुगिया अलग जीनस है। सही में मेरे पास जो फॉरेन ऑथर की स्टैंडर्ड बुक है उसमें ब्रुगिया का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अपने अपने लिए नीट मतलब बाइबल है, नीट अपना सब कुछ है, सॉरी एनसीईआरटी अपनी बाइबल है, एनसीईआरटी अपना सब कुछ है ना। एनसीईआरटी के साथ अपन मुजोरी नहीं करेंगे, एनसीईआरटी ने अगर वुचेरेरिया बोला है तो अपन भी वुचेरेरिया ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसका हम पहले लाइफ साइकिल देख लेते हैं। लाइफ साइकिल देख लेने के बाद अपने को साइंस एंड सिम्टम्स समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लाइफ साइकिल अपने को दिख रहा है। मस्कीटो टेक्स नंबर वन दिख रहा है, मस्कीटो टेक्स अ ब्लड मील। ठीक है, L3 लार्वे मतलब लेवल 3 लार्वे एंटर द स्किन। अब स्किन के अंदर आने के बाद वो लेवल 3 लार्वे क्या करते हैं, सेकंड लेवल सेकंड स्टेज देखो सेकंड नंबर अडल्ट बन के लिम्फेटिक्स मतलब लिम्फ वेसल्स में जाएंगे। ठीक है, थर्ड लेवल पे अडल्ट प्रोड्यूस शीथड यानी कवर्ड, ठीक है, लेयर्ड कवरिंग कवर्ड माइक्रोफिलेरी है, छोटे छोटे फिलेरियल वर्म्स इसलिए माइक्रोफिलेरी है, दैट माइग्रेट इनटू लिम्फ एंड ब्लड चैनल्स। ठीक है, वहां से फोर्थ लेवल अपन देखेंगे मस्कीटो टेक्स अ ब्लड मिल। ठीक है, उस मस्कीटो ने ह्यूमन बींग को काटा, फिर से मस्कीटो के अंदर माइक्रोफिलेरिए आ गए। फिर पांचवें लेवल पे क्या हो रहा है, माइक्रोफिलेरिए पेनिट्रेट मस्कीटोज मिड गट। ठीक है, फोर गट मिड गट हाइंड गट तीन तरीके से अपन डिवाइड किए हैं इंसेक्ट्स के इंटेस्टाइन को एंड माइग्रेट टू थोरेसिक मसल्स, थोरेक्स के मसल्स में माइग्रेट होंगे, वहां पर वो लेवल वन लार्वे में कन्वर्ट होंगे। किसके अंदर हो रहा है, ये हो रहा है मस्कीटो के अंदर। अच्छा, इसका कैरियर कौन सा मस्कीटो है, इस डिजीज का भी कैरियर एनोफेलेस मस्कीटो है क्या, बिल्कुल भी नहीं, इसका कैरियर है क्यूलेक्स मस्कीटो और ऑफ कोर्स फीमेल। तो फीमेल के बॉडी में जाकर मिडगट में जाकर उसने क्या किया, लेवल वन लार्वा बन गया। फिर उसके बाद टू मोल्टिंग्स के बाद वो क्या बन गया, लेवल थ्री लार्वा बन गया। लेवल थ्री लार्वा क्या करेगा, एट्थ पॉइंट देखो, माइग्रेट टू हेड एंड मस्कीटोज प्रोबोसिस यानी सूंड। ठीक है, जिससे वो अपने को काटता है ना, उसका जो सूंड है मस्कीटो की उसको प्रोबोसिस बोलते हैं। फिर वो मस्कीटो किसी और ह्यूमन बींग को काटेगा, ये लेवल थ्री लार्वा फिर से उस ह्यूमन बींग के स्किन के अंदर आया, फिर से वो एडल्ट्स इन लिम्फेटिक सिस्टम में गया, लिम्फ नोड्स को इन्फेक्ट वगैरह किया, अडल्ट बन गया। फिर अडल्ट ने क्या किया, फिर से शीथड माइक्रोफिलेरिए तैयार किए थर्ड पॉइंट पे, फिर से थर्ड ये शीथड माइक्रोफिलेरिए ब्लड में और लिम्फ में एंटर हुए, मस्कीटो ने काटा, फिर से मस्कीटो के बॉडी में आ गई है शीथड माइक्रोफिलेरिए, फिर से मस्कीटो के मिडगट में जाके लेवल वन लार्वा बन गए, फिर टू मोर मोल्टिंग्स के बाद लेवल थ्री लार्वा बन गए, फिर से किसी दूसरे ह्यूमन बींग के अंदर आ गए। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। तो इनका मेन ह्यूमन बींग में ये असर किसको कर रहे हैं, ये लिम्फ नोड्स को असर कर रहे हैं, बराबर। तो लिम्फ नोड्स क्या हो जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं। तो अब ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं, लेकिन ये मोस्टली बॉडी के नीचे वाले जो लिम्फ नोड्स है मतलब लेग्स वाले रीजन में जो लिम्फ नोड्स है उनको ये मोस्टली इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पैर ऐसे बड़े बड़े हो जाते हैं, पूरे सूज जाते हैं, तो हाथी के पाव के समान दिखते हैं, इसलिए इसको हिंदी में हाथी पाव, मराठी में हत्ती पाए ऐसा भी नाम रखा हुआ है, या इंग्लिश में एलिफेंटियासिस बोला हुआ है। लेकिन ये लोअर लिम्फ नोड्स को ही ज्यादा इन्फेक्ट क्यों करते हैं, दैट आई डू नॉट नो। ठीक है, मैं देखता हूँ पैथोलॉजी की बुक में मिल भी जाएगा उसका रीजन। तो ये अपने को इसका ये समझ में आ गया, लाइफ साइकिल समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स के तरफ, अभी अपने को इसके साइंस एंड सिम्टम्स ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स है, एक सेकंड ना, हाँ, इसके साइंस एंड सिम्टम्स है इडिमा विथ थिकनिंग ऑफ स्किन एंड अंडरलाइन टिश्यू। इडिमा मतलब सूजन। ठीक है, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी अफेक्ट्स द लेग्स आर्म्स ब्रेस्ट स्क्रॉटम एटसेट्रा। स्क्रॉटम है ना जिसमें टेस्टिस रखी रहती है वो, तो टेस्टिस भी बहुत स्वोलन हो सकती है इसमें एलिफेंटियासिस में। ठीक है,
दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो आर्म्स एंड ब्रेस्ट भी ऑफकोर्स इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया कि मोस्टली ये बॉडी के लोअर रीजन को इन्फेक्ट करता है. ठीक है. फिर इन लिम्फेटिक फिलेरियासिस वर्म्स इन्फेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम एंड कॉज एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स. दिस इज कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस, दैट इज लिम्स आर स्वोलन लाइक लेग्स ऑफ एलिफेंट. लिम्फ एडिमा, एडिमा मतलब सूजन, तो लिम्फ का सूजन आ जाएगा, दैट इज अक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन टिश्यू कॉजिंग स्वेलिंग. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट रहेगा लास्ट पॉइंट है हाइड्रोसील. हाइड्रोसील मतलब टेस्टिस आर एनलार्ज्ड ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड इन टेस्टिस. ठीक है. तो मैंने अभी बताया कि टेस्टिस भी स्वोलन हो सकते हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बॉडी बाय फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो. द लार्वे एस्केप मस्किटो बॉडी एंड अराइव ऑन द ह्यूमन स्किन. They penetrate the skin, undergo two moltings before they become adults and settle in the lymphatic system. Incubation period can be as long as 8 to 16 months. इसमें क्यूलेक्स मस्किटो बस याद रखना. डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या है इसका. यूज ऑफ डाइथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट, डाइथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट ट्वाइस अ डे फॉर 3 weeks एंड therefore फॉर 5 days एवरी 6 months इज इफेक्टिव अगेंस्ट फिलेरियल वर्म्स. अगेन फिर से घूम फिर के आ गए अपन दवाइयों पे, बट मैंने तुमको बताया दवाइयों के नाम अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वही रहेगा, मस्किटो काटने ही नहीं देना मस्किटो को, सबसे बेस्ट उपाय वही है, है ना. तो अवॉइड मस्किटो बाइट बाय यूजिंग मस्किटो नेट्स एंड इंसेक्ट रिपेलेंट्स जैसे ओडोमॉस. इरेडिकेशन ऑफ मस्किटोज इज एसेंशियल फॉर कंट्रोल ऑफ फिलेरियासिस. दूसरी तीसरी चौथी कक्षा की चीजें है, मस्त फेंक सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, एक नंबर चैप्टर है बोर्ड के हिसाब से. ठीक है. तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज टाइफॉइड. टाइफॉइड में, टाइफॉइड भी अपना फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज है, और टाइफॉइड में भी अपने को मतलब वो इंटेस्टाइनल पेन्स और इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होता है. ठीक है. क्या करता है ये टाइफॉइड का बैक्टीरिया, एक्चुअली इंटेस्टाइन में पोर्स कर देता है, इंटेस्टाइन को डिस्ट्रॉय करता है, वो उसके अमीबियासिस के समान ही करता है. ठीक है. तो इसलिए इसको एंटेरिक फीवर भी बोला जाता है. एंटेरिक इज द एडजेक्टिव ऑफ इंटेस्टाइन. ठीक है. एंटेरोगैस्ट्रॉन, डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन वो हार्मोन पड़ते हैं. फिर एंटेरिक और कहाँ पर गैस्ट्रो एंटराइटिस, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, एंटराइटिस एंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन, तो एंटेरिक फीवर भी इसको बोलते हैं. ठीक है. टाइफॉइड इज एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन. एक्यूट मतलब क्रॉनिक के अपोजिट, क्रॉनिक है जो बहुत सालों तक चलता है उसको क्रॉनिक बोलते हैं, है ना, और जो बचपन से रहता है उसको कंजेनाइटल बोलते हैं. बराबर. एक्यूट मतलब जो थोड़े समय के लिए रहता है फिर ठीक हो जाता है. इट इज कॉज्ड बाय सेल्मोनेला टाइफी. इट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फाउंड इन इंटेस्टाइनल ल्यूमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. पैथोजेनिसिटी इज ड्यू टू ओ एंटीजन. एंटीजन का नाम है ओ, जो विच इज बेसिकली नथिंग बट अ लाइपोपॉलीसेक्राइड प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द बैक्टीरिया. लाइपोपॉलीसेक्राइड मतलब ऐसा पॉलीसेक्राइड जिसके साथ कोई लिपिड का पार्ट अटैच्ड है, उसको बोलेंगे लाइपोपॉलीसेक्राइड. ठीक है. उसका जो फ्लैजेला है सेल्मोनेला टाइफी का, उसके ऊपर एच नाम का एंटीजन भी प्रेजेंट रहता है. तो ओ एंटीजन एंड एच एंटीजन, ऐसे दो प्रकार के एंटीजन इसमें प्रेजेंट रहते हैं. साइंस एंड सिम्टम्स, ये बहुत बढ़िया कर दिया इस बार के स्टेट बोर्ड ने, इसको छोटा कर दिया है बहुत. पिछले साल तक के स्टेट बोर्ड की बुक में बहुत फालतू की चीज़ें इसमें भर के रखी हुई थी. ठीक है. एक्सट्रीम भर के रखा हुआ था पूरा, ये ओ एंटीजन का स्ट्रक्चर वगैरह एक्सप्लेन किया हुआ था. ठीक है. तो उतना सब नीट में तो आना पॉसिबल ही नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में भी कभी आता नहीं था, सही किया एकदम इसको कॉम्पैक्ट करके. तो साइंस एंड सिम्टम्स क्या है इसके. प्रोलॉन्ग फीवर एज हाई एज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है सीधा. अगर किसी को टाइफाइड हुआ होगा तो अपने बचपन याद कर सकते हैं क्या क्या हुआ था. ठीक है. फिर जनरल नौशिया, नौशिया ने उल्टी टाइप की फीलिंग, फटीग यानी थकान एंड हेडेक. एब्डोमिनल पेन, क्योंकि ये मैंने तुमको बताया फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज है और इसका मेन साइट ऑफ इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन, है ना.
एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। कॉन्स्टिपेशन यानी स्टूल्स पास न होना दो दो तीन तीन दिन, एंड डायरिया मतलब बार 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 डिफिसेशन होना, वो भी लिक्विड स्टूल्स के फॉर्म में। ठीक है, रोज कलर्ड रैश ऑन स्किन। एक्चुअली ना टाइफॉइड के तीन लेवल्स है, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। तो जो रैश वाला जो है ना, ये लेवल टू के वगैरह केस में आता है। मतलब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से जिनको जिनको टाइफॉइड हुआ होगा उनको ये रैश ऑन स्किन वाला जो सिम्टम है ये काफ़ी कम लोगों को दिखा होगा, ये काफ़ी एडवांस्ड सिम्टम रहता है जनरली। ठीक है, व्हाइट कोट ऑन टंग, टंग व्हाइट कलर की हो जाती है, एंड कफ। एनोरेक्सिया मतलब भूख मर जाती है। अगर ट्रीट नहीं किया, डॉक्टर के पास नहीं गए, तो ब्रेथलेसनेस, इरेगुलर हार्ट बीट्स एंड हेमरेज। ठीक है, हेमरेज यानी ब्लड वेसल्स का फटना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इट इज अ फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज। पुअर हाइजीन हैबिट्स, ठीक है, सॉरी सेकंड पॉइंट रहेगा। इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई एंड कॉकरोचेस फीडिंग ऑन फिकल मैटर में ट्रांसफर द बैक्टीरिया टू फूड मटेरियल। गंदा लिखा है, मतलब लिखा क्या, ये होता ही है। एकदम गंदी जगह पे जाके पानी पूरी खाना, गंदी जगह पे जाके समोसा खाना है ना, एकदम अनहाइजीनिक जगह पे जाके खाना, ये सब धंधे करने से होता है। करेंगे अपन ये सब होने के बाद, अपना लॉकडाउन खत्म होने के बाद, है ना, तो इससे फैलेगा। फिर पुअर हाइजीन हैबिट्स एंड पुअर सैनिटेशन कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ टाइफॉइड। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, विडल टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड में अपने को इस क्या कर सकते हैं अपन, इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इन सीवियर केसेस। गॉल ब्लैडर इसलिए क्योंकि ये गॉल ब्लैडर को जाके इन्फेक्ट कर सकता है। अच्छा, इससे गॉल ब्लैडर से मेरे को एक अच्छी चीज़ याद आई, ये क्या कर सकता है, सेल्मोनेला टाइफी जो इसको कॉज करने वाला है, जो बैक्टीरियम है, ये क्या करता है, इंटेस्टाइन से गॉल ब्लैडर में, लीवर में और काफ़ी सारे ऑर्गन्स में, यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ वहाँ वहाँ पर जाकर छुप जाता है। ठीक है, तो उन सब ऑर्गन्स को तो इन्फेक्ट कर ही सकता है, उनको तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही सकता है, लेकिन करता ही है, मतलब कर ही सकता है कि अगर पहुँच गया तो करता ही है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में जाकर जैसा अमीबा सिस्ट बना लेता है ना, अमीबियासिस वाला अमीबा, वैसा ये सेल्मोनेला टाइफी बढ़िया पैकी स्पोर बना लेता है और स्पोर के अंदर सेफली छुप जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि अपने अपना इम्यून सिस्टम भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है और अपने को कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखते टाइफॉइड के, लेकिन ये यूरिनरी ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में छुपा हुआ रहता है। तो गॉल ब्लैडर से फिशेस के थ्रू या यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर निकल सकता है और दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है, और उस पर्सन को खुद को पता भी नहीं रहेगा कि मैं इन्फेक्टेड हूँ और दूसरे को इन्फेक्शन फैला रहा हूँ, एसिम्प्टोमेटिक रहेगा वो, मतलब उसको खुद को सिम्टम नहीं रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी ने ऐसे केस दी है मेरी मेलोन नाम की, MARY MALONE, मेलोन उसका सरनेम था उस लेडी का, मेरी मेलोन उसका नाम था, उसको टाइफॉइड मेरी भी बोलते हैं। उसको ऐसा ही एसिम्प्टोमेटिक टाइफॉइड था और उसको पता ही नहीं था कि उसको टाइफॉइड है। ठीक है, और वो एक होटल में शेफ का काम करती थी और हाइजीन वाइजीन उसका एकदम गंदा होगा, तो उसने धड़ाधड़ धड़ाधड़ अमेरिका में 1930s या 1940s की कहानी है, ये काफ़ी पुरानी कहानी है, अमेरिका में हजारों लोगों को उसने टाइफॉइड फैला दिया था। बहुत टाइम के बाद वो पकड़ी गई थी कि ये किसके कारण इतना टाइफॉइड फैल रहा है, बहुत फेमस कहानी है टाइफॉइड को लेकर। तो एनसीईआरटी में उसका मेंशन किया हुआ है, अपने को पता रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है समझ में आ रहा है ना, क्योंकि गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर ऐसी जगहों पर जाकर छुप जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरोमाइसिटिन इज हेल्पफुल ट्रीटमेंट, ये अपने को याद रखना चाहिए। अच्छी चीज़ है क्योंकि क्लोरोमाइसिटिन काफ़ी कॉमन एंटीबायोटिक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये रह जाएगा याद। ठीक है, तो ये मैं आई विल सजेस्ट के याद रख लो, टाइफॉइड को मारने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक, क्लोरोमाइसिटिन यूज होता है। फॉर प्रिवेंशन ऑफ टाइफॉइड WHO रिकमेंड्स टू वैक्सीन एज ओरल, दैट इज TY21A नाम का वैक्सीन है, इसको ओरली अपन ले सकते हैं या फिर इंजेक्शन के थ्रू अगर लेना है तो टाइफॉइड के पॉलीसेकेराइड का वैक्सीन मिलता है, उसका नाम है TYPHIUM-V and TYPHERIX। ठीक है, TYPHIUM-V and TYPHERIX, तो
इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वो पॉलीसेक्राइड वैक्सीन है, टाइफॉइड पॉलीसेक्राइड वैक्सीन। मतलब उसमें क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि अभी अपन ने जो देखा था इसके स्ट्रक्चर में, टाइफॉइड के स्ट्रक्चर में उसने बोला था ना कि ओ एंटीजन प्रेजेंट रहता है विच इज़ ए लाइपो पॉलीसेक्राइड, तो बस उस लाइपो पॉलीसेक्राइड को आर्टिफिशियली ब्लड में इंजेक्ट कर देंगे। पूरे टाइफॉइड के बैक्टीरिया को हीट किल करके इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना एंटीजन डाल दो, एंटीबॉडीज बन जाएगी अपने बॉडी में, टेंशन नहीं है, पूरा बैक्टीरिया डालने की क्या जरूरत है ना, समझ में आ रहा है? तो सिर्फ वो टाइफॉइड के पॉलीसेकेराइड ही बस बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। तो उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, टाइफियम वी, और एक टाइफेरिक्स नाम का, और ओरली अगर इसका वैक्सीन लेना है तो उस वैक्सीन का नाम है TY21A। ठीक है, क्लियर? तो बढ़ते हैं अगले डिजीज की तरफ, दैट इज न्यूमोनिया। न्यूमोनिया की खासियत तुमको थोड़ी सी बता देता हूं मैं अभी। न्यूमोनिया बैक्टीरिया के कारण भी फैल सकता है, वायरस के कारण भी फैल सकता है, फंगस के कारण भी फैल सकता है, ठीक है? न्यूमोनिया होने के बहुत सारे रीजंस है। अच्छा, अपना जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा है ना, बर्ड फ्लू, फ्लू कहाँ से आया, तो इन्फ्लुएंजा से फ्लू आया है, इन्फ्लुएंजा का शॉर्ट फॉर्म है ना फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लू। फिर बीच में जो फैला था काफी फेमस, सबको पता है, स्वाइन फ्लू है ना, स्वाइन ने पिग, तो पिग से वो फैलता था। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो भी फ्लूज है, अपना नॉर्मल भी जो इन्फ्लुएंजा अपने को होता है, तो उसके लिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम का एक बैक्टीरियम बैक्टीरियम है। तो स्वाइन फ्लू तो खैर वायरल डिजीज था, तो न्यूमोनिया के अंडर ही इन्फ्लुएंजा भी आएगा, ठीक है? और ये बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत ही ब्रॉड। इसके अंदर बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस एंड इवन फंगल डिजीज, फंगस के कारण भी इन्फ्लुएंजा हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, ठीक है? तो बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है? तो न्यूमोनिया इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लंग्स और एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। इट इज कॉज बाय वेराइटी ऑफ पैथोजेंस विच मे बी वायरसेस लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा का वायरस भी है, फ्लू वायरस, ठीक है, अपना सर्दी का वायरस भी, सर्दी वैसे अलग से दिया हुआ है बुक में, लेकिन सर्दी का वायरस भी वही है, कुछ अलग चीज नहीं है वो, फ्लू वायरस, बर्ड फ्लू का वायरस, स्वाइन फ्लू का वायरस, ठीक है? तो वायरस के कारण, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वाले बैक्टीरिया के कारण। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के अलावा और कौन रह सकता है, एडिनो वायरस रह सकता है, पैरा इन्फ्लुएंजा एंड रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस दैट इज RSV, और बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया याद है ना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाला, आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डिस्कवर किया था उसने, डीएनए के, डीएनए कैसे डिस्कवर हुआ उसमें अपन ने पढ़ते हैं, ठीक है? तो वही वाला स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। और फंगल पैथोजेंस एग्जाम्पल न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी एंड न्यूमोसिस्टिस कैरिनी, ठीक है? तो ये फंगल पैथोजेंस है, याद रखना आसान है, न्यूमोसिस्टिस नाम से ही समझ में आता है कि ये न्यूमोनिया कॉजिंग वाले फंगस है। न्यूमोनिया कैन ऑल्सो बी कॉज बाय केमिकल बर्न और फिजिकल इंजुरी टू लंग्स। कितने सारे रीजन है देखो न्यूमोनिया होने के। साइंस एंड सिम्टम्स, अब लंग्स का डिजीज है तो पहला ही सिम्टम कफ, प्रोड्यूसेस येलो और ग्रीनिश स्प्यूटम और फ्लेम, ठीक है, फ्लेगम नहीं बोलने का उसको, फ्लेम, जी उसका साइलेंट है, ठीक है, स्प्यूटम और फ्लेम। अब एक्सप्लेन करने में, एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं स्प्यूटम क्या रहता है, तुमको समझ जाना चाहिए क्या रहता है स्प्यूटम और फ्लेम, ठीक है? कफ करने के बाद, कफिंग के बाद हाथ रखा हमने, या अगर हमने हैंडकरचीफ रखा मुंह पे, तो कफिंग के बाद जो हैंडकरचीफ पे अपने को दिखेगा दैट इज स्प्यूटम और फ्लेम, ठीक है? हाई फीवर ऑफकोर्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने को तकलीफ होगी, एकदम ही फालतू पॉइंट है, क्योंकि अगर लंग्स का डिजीज है तो भैया ऑफकोर्स सांस लेने में तकलीफ होनी है ना? देख लो बोर्ड के हिसाब से कितना बढ़िया चैप्टर है, प्रॉब्लम है कि लेकिन इसका वेटेज बहुत कम है, ज्यादा क्वेश्चन चीज नहीं आते, बराबर ऐसे लिखेंगे नहीं तो बच्चे इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो, ठीक है? चेस्ट पेन ड्यूरिंग डीप ब्रेथ और कफिंग, अगेन लंग्स का डिजीज है तो ये भी ऑब्वियस है, इसको भी फेंक सकते हैं अपन। लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीक, हेडेक्स, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन्स एंड मसल एक्स, अपने नॉर्मल सर्दी वाले ये सब सिम्टम्स है, याद रखना। सर्दी में भी अपने को नॉर्मल सर्दी में भूख नहीं लगती है, थकान महसूस होती है, सिर दुखता है, वॉमिटिंग तो नहीं होता खैर नॉर्मल सर्दी में, बाकी जॉइंट पेन, हड्डियाँ दर्द होती है, मसल एक्स, जॉइंट एंड मसल्स पेन होते हैं नॉर्मल सर्दी खांसी में भी, है ना? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, न्यूमोनिया मोस्टली स्प्रेड बाय डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, वही छींकने से वगैरह। इट कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के बारे में मैंने तभी बोला था स्टार्टिंग में ही,
रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन और इवन यूजिंग शेयर्ड क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स। ठीक है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इसका कैसे होगा? कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन पैथोजन लीडिंग टू द डिजीज। फॉर बैक्टीरियल न्यूमोनिया एंटीबायोटिक्स लाइक बेंजिल पेनिसिलिन एम्पीसिलिन एंड क्लोरामफेनिकॉल आर इफेक्टिव। क्लोरामफेनिकॉल ऊपर भी था, नहीं सॉरी क्लोरोमाइसिटिन था वो, सॉरी माय कंफ्यूजन। क्लोरामफेनिकॉल एम्पीसिलिन पेनिसिलिन ये अपने को याद रखना पड़ेगा क्योंकि पेनिसिलिन एक्सट्रीमली कॉमन एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन के ऊपर नीट 2016 में क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो पेनिसिलिन अपने को याद रखना ही पड़ेगा। एम्पीसिलिन भी एक्सट्रीमली कॉमन एंटीबायोटिक है, बायोटेक्नोलॉजी में आता भी है, तो वो भी याद रख लिया तो बेटर रहेगा। ठीक है, इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसा रहेगा? इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल रहेगा वही वाला अपना सर्दी खांसी वाला कोरोना वाला। वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन इन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। वैक्सीन्स अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ हेल्प ग्रेटली टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉजिंग न्यूमोनिया। सिंपल चीज है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट वाले डिजीज के तरफ, दैट इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड यानी अपना सर्दी वाला है ना। तो अभी इसमें मैंने तुमको ग्रुप पे डाला था कि मैं कोरोना भी बताऊंगा कोरोना भी पढ़ाऊंगा, तो कोरोना यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, कोरोना इज नथिंग बट दिस। अभी देखो आएगा कोरोना आता है कि नहीं। इट इज अ वायरल इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी रीजन, इट इज ऑल्सो नोन एज नेसोफेरिंजाइटिस। अच्छा, इसको अपने न्यूमोनिया से अलग क्यों किया पता है क्या? ये भी है वैसे, इसको कॉमन फ्लू भी बोलते हैं, फ्लू के अंडर ही कंसिडर होता है। लेकिन न्यूमोनिया में, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में वगैरह क्या है ना, पूरा लंग्स तक इन्फेक्शन जाता है। वेरस कॉमन कोल्ड में मेजर डिफरेंस क्या है? अपर रेस्पिरेटरी रीजन, नाक, ठीक है, अपना ज्यादा से ज्यादा थ्रोट और सर दर्द तो खैर अलग चीज है, नाक और थ्रोट मेनली इसका अटैक करने का एरिया है। ये लंग्स तक जनरली नहीं जाता है। ठीक है, वैसे ये कन्वर्ट हो सकता है न्यूमोनिया में अगर कॉमन कोल्ड ज्यादा रहा तो, मतलब जैसे एड्स पेशेंट है या स्किड वाला जो पेशेंट रहेगा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी वाला, उसको अगर बहुत समय तक कॉमन कोल्ड है तो वो कन्वर्ट हो सकता है न्यूमोनिया में। ठीक है, लेकिन अपना वाला जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड है, दवाई लिया तो 7 दिन में ठीक होता है, दवाई नहीं लिया तो 1 हफ्ता लगता है ना, क्योंकि कॉमन कोल्ड की कोई दवाई नहीं है, जैसे कोरोना की कोई दवाई नहीं है वैसे, क्योंकि कोरोना मतलब कॉमन कोल्ड का ही मॉडिफाइड फॉर्म है और कुछ नहीं है। तो उसकी दवाई नहीं लिया कॉमन कोल्ड की तो भी वो अपने आप ठीक हो जाता है। वैसे कोरोना इज मच मोर डेंजरस देन कॉमन कोल्ड, उसको लाइटली नहीं लेना है। नहीं तो सुना है लेक्चर और चले दूसरे दिन अपना मस्त, घर के बाहर निकल रहे, रस्ते पे घूम रहे कि वैसे भी चंद्रपुर में तो एक भी केस नहीं है कोरोना की, और एसकेडी सर ने बताया कि कोरोना इज नथिंग बट मॉडिफाइड कॉमन कोल्ड, क्या ही करना है अभी तो, रेजॉक्सी को भी छुट्टी है, घर पे ही तो बैठना है, हो गया तो हो गया, घूमो मस्त, ऐसे धंधे अपने को नहीं करने का है। ठीक है, तो एकदम ध्यान में रखना, लेकिन कि इसको अपन ने अलग क्यों निकाला है, क्योंकि ये मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, बाकी है ये न्यूमोनिया इन्फ्लुएंजा की फैमिली वाला। इट इज ऑल्सो नोन एज नेजो फेरिंजाइटिस। नेजो मतलब नोज, फेरिंजाइटिस फेरिंग्स का आइटिस, नोज एंड फेरिंग्स का आइटिस मतलब नेजो फेरिंजाइटिस है ना। एक्यूट वायरल राइनो फेरिंजाइटिस, राइनो इज द एडजेक्टिव ऑफ नोज, ये कहां पर आया था याद करो। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को और याद करने की कोशिश करो। ठीक है, याद नहीं होता है तो मैं अभी बोल ही रहा हूँ कहां पर आया था। हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन में अलग अलग ब्रेन के नाम देखे थे, डायएनसेफेलॉन, टीलेनसेफेलॉन है ना, तो उसमें अपन ने ऑल्फैक्टरी लोब्स को राइनेनसेफेलॉन बोला था, और तब मैंने तुमको बताया था कि राइनेनसेफेलॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि राइनो इज द एडजेक्टिव ऑफ नोज, तो नोज को इन्फेक्ट करता है, इसलिए राइनो फेरिंजाइटिस, एक्यूट कोरिजा और कोल्ड। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ वायरसेस नोन एज राइनो वायरसेस, क्योंकि नोज को इन्फेक्ट करते, एंड कोरोना वायरसेस। कोरोना क्यों?
क्योंकि कोरोना वायरस नाम की एक फैमिली है, उसमें अलग अलग प्रकार के वायरसेस है, तो ये जो अपने को कॉमन कोल्ड जो होता है वो कोरोना वायरस की फैमिली वाला ही है, इसमें कुछ भी अलग से मैजिक नहीं है, ठीक है। इसलिए अपना ये जो कोरोना वायरस है सर, ये जो फैला हुआ है जिसके कारण अपना वीडियो क्लास लेना पड़ रहा है, वीडियो लेक्चर लेना पड़ रहा है, रेजॉक्सी बंद है, वो कोरोना वायरस इसी फैमिली को बिलोंग करने वाला वायरस है, ठीक है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि 12th के स्टेट बोर्ड की बुक में कोरोना वायरस के बारे में दिया है, और लोगों ने इसके ऊपर फिर अपनी कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी बना ली है। मेरे को एक स्टूडेंट ने ही बताया, लोगों ने कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी बना ली है कि 12th के बुक में कोरोना वायरस के बारे में दिया है, मतलब गवर्नमेंट को पहले से ही पता था, ये वो, ऐसा बकवास लोगों की चल रही है। ध्यान से ध्यान रखेंगे ये चीज, अपन जो कोरोना जो वर्ड सुन रहे हैं वो कोरोना कोई नया वर्ड नहीं है, सर्दी के वायरस को कोरोना बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी दिमाग में कॉन्स्पिरेसी थेरी, ऐसा कुछ भी इलॉजिकल चीजें व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे विश्वास नहीं करने का, ठीक है। तो यही है अपना, बस और कुछ नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे, आगे का अपने को साइंस एंड सिम्टम्स, तो इसके ऊपर तो कभी बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा ना नीट में आएगा, बस मेरे को पढ़ाना कंपलसरी है एज ए टीचर, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इतनी फालतू चीज है कॉमन कोड कि इसमें कुछ गलती हो ही नहीं सकती, बच्चों से करेक्ट आंसर मार्क कर ही लेंगे बच्चे, है ना। क्या साइंस एंड सिम्टम्स रहेंगे इसमें, कफ, सोर थ्रोट, रनिंग नोज एंड फीवर, सब अपना एक्सपीरियंस लिखना है, साल में 4 बार तो होती है सर्दी। नेजल कंजेशन, स्नीजिंग, नाक पूरा भर जाएगा, स्नीजिंग होगी। कंजंक्टिवाइटिस, अब एक कंजंक्टिवाइटिस तो नहीं है वैसे, लेकिन आंखें लाल हो सकती है, ठीक है। मसल रैशेस, फटीग, क्या लिख के रखा है मसल रैशेस, फटीग यानी थकान, हेडेक, शिवरिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अगेन वही सब आने वाला है, दूसरी तीसरी वाला, और जो डेली न्यूज पे आजकल चल रहा है वो ही वाला, और क्या आएगा इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में। स्टेइंग अवे फ्रॉम पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, दूर रहो। वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर, है ना, 1 मिनट तक धोना है, लाइफ बॉय के एड में दिखाते हैं। यूज ऑफ हैंडकरचीफ टू कवर द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर कैन ऑल्सो बी यूज, अब एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर तो घर घर में हो गए नाम, थैंक्स टू कोरोना, थैंक्स टू चाइना, है ना। तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन आ गया, तो अपन तो पूरा एकदम फुल मार्क्स ला ही सकते हैं बोर्ड में भी नीट में भी, चिंता ही नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि आएगा नहीं, है ना। अच्छा, इसमें जो कैन यू टेल दिया हुआ है, इसका कैन यू टेल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। Why do we suffer from common cold repetitively in our life, but other viral diseases like influenza or smallpox only once? इसका रीजन ये है कि ये जो कॉमन कोल्ड का वायरस है ना, ये RNA वायरस है, RNA वायरस, एक तो वायरस है ऊपर से RNA वायरस है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। तो वायरस इसमें क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उनका जेनेटिक मटेरियल म्यूटेट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि RNA इज अनस्टेबल एज कम्पेयर टू DNA, तो वो जल्दी म्यूटेट होता है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, उसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होने के कारण प्रॉब्लम क्या होगा कि वो और जल्दी इन्फेक्ट होगा, क्योंकि उसको दूसरे स्ट्रैंड का प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा, तो इसमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो हर साल जो कॉमन कोल्ड का वायरस आता है वो थोड़ा थोड़ा म्यूटेट होके आता है, तो थोड़ी थोड़ी अलग प्रकार की एंटीबॉडीज बनानी पड़ती है हर साल, इसलिए अपने को रिपीटेटिवली कॉमन कोल्ड होते रहता है, पुरानी प्रकार की एंटीबॉडीज किसी काम की नहीं रहती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि कॉमन कोल्ड वही करता है, अपने बॉडी के अंदर रह जाता है स्पोर बना के, ठीक है, और फिर जब अपना इम्यून सिस्टम डाउन होता है स्ट्रेस के कारण वगैरह, जैसे एग्जाम के टाइम पे या सीजन चेंज होता है तब, ठीक है, या बहुत देर अगर अपन गीले गीले शरीर से अगर AC में बैठे रहे, ऐसा कुछ किया अगर हमने, तो 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर, तब भी इम्यून सिस्टम डाउन होगा। तो ऐसा कुछ हुआ तो वो जो सस्पेंडेड फॉर्म में जो छुपा हुआ रहता है कॉमन कोल्ड का वायरस बॉडी में, वो एक्टिवेट होता है, बाहर निकलता है और अपने को कॉमन कोल्ड करता है। इसलिए बहुत टाइम तक भीगे रहने से AC में बैठ के, अभी मैं तो क्लास लेता ही हूँ, भीग के आता हूँ पूरा, और फिर भी पंखे के नीचे खड़े रह के क्लास लेता हूँ, तुमने देखा है मेरे को जुलाई अगस्त में, लेकिन मेरी बात अलग है ना, मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, मतलब बनाया है स्ट्रांग, तुम भी बना सकते हो। कैसे बनाने का है बताया हुआ है, सिंपल तरीका एकदम, और जो तरीका बताया वो वही वाला है, सेकंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ, कुछ नई चीज़ तो है ही नहीं उसमें, वही सब तो है, एक्सरसाइज करने का, हाई प्रोटीन डाइट लेने का, डिसिप्लिन फॉलो करने का, और रात को अच्छे से नींद लेने का, खत्म, और हैप्पी रहने का, चिल रहने का, एकदम इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, कुछ नहीं कर सकता कॉमन कोल्ड वगैरह अपने को, है ना। टू बी फ्रैंक, ये जो कोरोना है जिसके कारण
बंदी है, अपने को बाहर निकलना नहीं है, लाइट लाइटली लेना नहीं है उसको, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा वो उस कोरोना से भी और स्वाइन फ्लू से भी फाइट कर सकता है, अपना इम्यून सिस्टम हर चीज़ से फाइट कर सकता है और इम्यून सिस्टम को अपन स्ट्रांग बना सकते हैं, है ना। ठीक है, तो वो आरएनए वायरस होने के कारण वो एक रीज़न है कि कॉमन कोल्ड रिपीटेटिवली होता है, यही प्रॉब्लम अपने ये वाले कोरोना के कारण कोविड-19। अच्छा कोविड-19 उसको क्यों बोला, क्योंकि कोरोना वायरस ही गलत नाम है ना, कोरोना वायरस तो अपने नॉर्मल सर्दी वाले वायरस का भी नाम है ना, फिर कन्फ्यूजन होगा ना, इसलिए उसको कोविड-19 बोलना पड़ा। कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 19, मतलब 2019, क्योंकि दिसंबर 2019 में आया, इसलिए कोविड-19। या फिर उसको बोला जाता है नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल इस वर्ड के दो मीनिंग है, एक तो अपन जो पढ़ते हैं वो वाला नोवेल, और दूसरा नोवेल का मतलब रहता है न्यू, नया, नोवेल टेक्नोलॉजी बोलते हैं अपन। तो ये नए प्रकार का कोरोना वायरस है जो पहले नहीं था, अभी अभी इवॉल्व हुआ है, इसलिए उसका नाम हमने रखा हुआ है नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19। समझ में आ रहा है? तो बाकी वो फैमिली उसकी वही है कोरोना वायरसेस वाली, जो अपना नॉर्मल कॉमन कोल्ड वाला वायरस है वो वाला। ठीक है, बाकी कुछ डाउट्स होंगे तो मेरे को मत पूछना, मेरे को खुद को भी कोविड-19 के बारे में ज़्यादा कुछ पता है नहीं, जितना इंटरनेट पे पढ़ा है मेरे को भी उतना ही पता है, मैंने कुछ उसके बारे में एमएससी में पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो नोवेल कोरोना वायरस है, अभी अभी आया है। ठीक है, तो उसका भी एंटी, उसका भी दवाई इसीलिए इतनी इजीली नहीं बन पा रही है, उसके भी वैक्सीन में बहुत प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि वो भी ऑफकोर्स आरएनए वायरस है, और ये जो अपने सर्दी के वायरस का प्रॉब्लम है वो उसके साथ भी होगा, नो डाउट। ठीक है, फिर रिंगवर्म, ये शायद अपना लास्ट डिजीज है रिंगवर्म। ठीक है, रिंगवर्म नाम से लगता है अपने को कि ये किसी वर्म, मतलब हेलमिंथ के कारण होने वाला डिजीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फंगल डिजीज जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो फंगल डिजीज के बारे में स्किन को इन्फेक्ट करता है, ये वही वाला है। ठीक है, तो सिंपल चीज है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, फटाफट पढ़ते हैं इसको, निपटाते हैं। इट इज फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, इट इज कॉज्ड बाय मेनी फंगल स्पीशीज बिलोंगिंग टू द जेनेरा ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। ट्राइकोफाइटॉन किसके अंडर आएगा? ड्यूट्रोमाइसिट्स के अंडर, है ना, ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। दीज फंजाइ फीड ऑन केराटिन इन स्किन हेयर एंड नेल्स। तो नेल्स को भी इन्फेक्ट करता है, अगर नेल्स को इन्फेक्ट करता है तो उसको ऑनिकोमाइकोसिस बोलते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स, इन्फेक्टेड स्किन शोज एनलार्ज्ड रेड रिंग कॉज्ड ड्यू टू रिंग वर्म। बताया था मैंने तुमको, रिंग गार्ड नाम के एक ट्यूब की एडवर्टाइज आती है टीवी पे, दाद की खुजली उसको बोलते हैं, ये वही वाला है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजियंस, लेजियंस यानी रैशेस समान स्ट्रक्चर ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दीज रेड पैचेस कॉज इंटेंस इचिंग, बहुत खुजली होती है। इन्फेक्शन टू नेल्स इज टर्म्ड एज ऑनिकोमाइकोसिस, माइको मतलब फंगस, तो फंगस का इन्फेक्शन है इसलिए माइको। ठीक है, ऑनिको लेकिन अपने को याद रखना पड़ेगा, और ये अपने 2 साल के बायोलॉजी में ऑनिको वाला एडजेक्टिव नेल्स का एडजेक्टिव है, ये बाकी 2 साल में और किसी चैप्टर में कहीं नहीं आएगा, ये सिर्फ इसी चैप्टर में आया वाला वर्ड है, तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा। ऑनिकोमाइकोसिस इन विच नेल्स बिकम थिक डिसकलर्ड एंड डिसफिगर्ड। एथलीट्स फुट इज द फंगल इन्फेक्शन दैट यूजली बिगिन्स बिटवीन द टोज। ठीक है, पैरों की जो उंगलियां उनके बीच में अगर इन्फेक्शन चालू हुआ तो उसको एथलीट्स फुट बोलते हैं। उसको एथलीट्स फुट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एथलीट्स क्या बहुत समय तक सॉक्स और जूते पहन के दौड़ते रहते हैं, तो पसीना आते रहता है पैरों में बहुत ज्यादा। नॉर्मली अपने पैरों में भी आता है लेकिन उनके बॉडी में ज्यादा आता है, और वो तो क्या, उनका तो ऑफिस मतलब वही है ना, प्रोफेशनल एथलीट का ऑफिस क्या है, तो प्लेग्राउंड पे जाके खेलना, तो दिन दिन भर 10-10 घंटा खेलते हैं, बहुत ज्यादा पसीना उनको आता है, तो उनको वहां पर इन्फेक्शन होने की, पैरों पे इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो इसलिए उसको नाम रखा है एथलीट्स फुट। बाकी वो नॉर्मल लोगों को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एथलीट्स को ही होगा। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे रहेगा इसका? रिंग वर्म स्प्रेड्स बाय शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एटसेट्रा। को मैंने कंघी, क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन इज अनदर मोड ऑफ इन्फेक्शन, है मैंने स्टार्टिंग में बताया था, टच के कारण फैलने वाला ये डिजीज है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस बाय फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट यूजेस ड्रग्स लाइक निस्टाटिन, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एटसेट्रा। इनके बारे में मैंने पहले ही तुमको बता दिया है क्या करने का है, देख लो। ठीक है, याद नहीं रहने वाला, मेरे से तो नहीं रह पाता, तो मैं तुमको जबरदस्ती कर ही नहीं सकता, मेरे को हक नहीं है तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती करने का। ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल,
अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है, शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, वॉशिंग क्लोथ्स इन हॉट वाटर विथ फंगीसाइडल सोप, फंगीसाइडल सोप मतलब जो फंगस को डिस्ट्रॉय करेगा ऐसा सोप, हेल्प टू डिस्ट्रॉय फंगल पैथोजन, ठीक है। और फिर है डेंगू, डेंगू फीवर इज अ पेनफुल डेबिलिटेटिंग वेक्टर बॉर्न डिजीज कॉज्ड बाय एनी वन ऑफ फोर क्लोजली रिलेटेड डेंगू वायरसेस। डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एडिस मस्किटो, ठीक है। डेंगू वायरस को कौन फैलाता है? एडिस। तो ये एनिमल किंगडम के वक्त भी मैंने बताया था, अब एक बार फिर से, मलेरिया को फैलाने वाला एनोफेलस और अपना फिलेरियासिस को फैलाने वाला क्यूलेक्स और डेंगू को फैलाने वाला एडिस। अच्छा, एडिस जो है वो डेंगू के अलावा चिकनगुनिया को भी फैलाता है, जो 2005 में फैला था चिकनगुनिया नाम का डिजीज, ठीक है, काफी फेमस हुआ था चिकनगुनिया, तो उसको भी एडिस मस्किटो ही फैलाता है। और एक येलो फीवर नाम का डिजीज है, उसको जॉन्डिस के साथ कंफ्यूज नहीं करने का, येलो है करके, वो अलग डिजीज है, वायरल डिजीज है येलो फीवर, काफी बड़ा डिजीज है, काफी लोगों की जान ली थी उसने यूरोप में, ठीक है। तो येलो फीवर भी ये एडिस इजिप्टी ही फैलाता है, ठीक है, येलो फीवर, डेंगू एंड चिकुनगुनिया, ये मैंने शायद एनिमल किंगडम को बताया भी था। एनीवेज, द मस्किटो टेक्स अप द डेंगू वायरस व्हेन इट सक्स ब्लड ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डेंगू, इट कैनॉट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्या फालतू क्या देखे रखा है पता नहीं, ठीक है। तो इज दिस क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये देखेंगे अल्कोहल एंड ड्रग्स, वो वाला पार्ट देख लेंगे, और फिर कुछ एडिशनल डिजीजेस जो ना स्टेट बोर्ड की बुक में ना एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन कॉमनली उसके ऊपर एमसीक्यूज दिखते हैं, जैसे लेशमेनियासिस, काला आजार, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। तो ऐसे कुछ डिजीजेस है काफी फेमस वाले, काफी कॉमन वाले, तो उनके बारे, उनको भी अपन देख लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर एक तो मैं वीडियो बना लूंगा, या फिर उसके सिम्टम्स, कॉजेटिव एजेंट का लिस्ट इसमें भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, देखते हैं कैसे करने का। तो एडिशनल कुछ डिजीज एंड एल्कोहल एंड ड्रग्स, ठीक है। तो आई होप कि ये सब, इसमें कुछ समझने लायक है ही नहीं, एकदम डेली के अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस है ना। न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड बहुत ही ईजी है, इवन वो रिंगवर्म भी कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा टाइफॉइड के सिम्टम्स थोड़े से अजीब है, वो थोड़े से रट्टा मारने पड़ते हैं। बाकी मलेरिया के सिम्टम्स और मलेरिया का लाइफ साइकिल समझ गया, तो मलेरिया के सिम्टम्स लॉजिकल है, बाकी न्यूमोनिया भी ईजी है ना। तो मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में कुछ अपने को डिफिकल्टी होनी चाहिए, एकदम इजी चैप्टर है, स्टेट बोर्ड के हिसाब से बहुत ही सही है, नीट के हिसाब से भी बहुत सही है, ठीक है। मेन इसमें वही है, इम्यूनिटी, कैंसर एंड एड्स। आई होप वो चीज़ें अपने को समझ में आ चुकी है, अगर नहीं समझा है, कुछ ऑब्जेक्शन है, तो प्लीज़ आस्क मी डाउट्स, नो वन इज आस्किंग मी डाउट्स एक्सेप्ट 3 to 4 पीपल, आई वॉन्ट एवरी वन टू बी कनेक्टेड विथ मी, कीप आस्किंग मी डाउट्स। दूसरी चीज़, ये बुक का मैंने तुमको PDF तो ग्रुप पे भेजा हुआ है ही, है ना, रैंकर्स वालों के लिए नहीं, लेकिन न्यूक्लियस वालों के लिए। इसका, इसके इसके बुक के नीचे, इस चैप्टर के पीछे जो भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो भी होंगे, वो सब तुम, मैं तुमको कुछ टाइम दे दूंगा, 4 दिन का 5 दिन का, वो सब तुम उस PDF में से निकाल कर उसको एक कॉपी में लिख लोगे, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, और उस होमवर्क का मुझे फोटो तुम लोग ग्रुप पे भेजोगे, ठीक है, ईच वन ऑफ यू। काफी सारे क्वेश्चन है इसमें, लेकिन वो अपने को सब लिखने हैं, एक जगह जमा करने हैं, फिर ऐसा ही अपन हर एक चैप्टर के क्वेश्चन जमा करते जाएंगे जो बोर्ड के बुक में है, तो अपने को बोर्ड की पढ़ाई के लिए नोट्स वैसे ही तैयार होते जाएंगे। बस वही अपने को याद रखना है, इनफ है इतने क्वेश्चन कर लेना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है बोर्ड के लिए। BPT में लेने वाला था, लेकिन वो कुछ खुल नहीं रहा है, तो BPT लेना मुश्किल है, लेकिन देख लेते हैं अपन कुछ ऑनलाइन BPT या कुछ ऐसा कुछ अगर कर सकते होंगे। उतना चेक करना मेरे को बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मोबाइल में देख देख के, लेकिन अपन एक BPT वगैरह भी का भी सोचते हैं, कुछ करते हैं उसका भी, ठीक है।